गाइस, हर यूट्यूब क्रिएटर की ये कोशिश होती है कि उसकी बनाई गई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके। गाइस, मगर सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो कौन सी है? अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखे जाने वाली वो है बेबी शार्क, जिसे 8.9 बिलियन लोगों ने देखा है। गाइस, इसे 2016 में अपलोड किया गया था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे कितने लोगों ने देखा। गाइस, कुछ अफवाहें हमारे मुआशरे में गर्दिश कर रही हैं जिन्हें हम सच माने बैठे हुए हैं, जो हकीकत में एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। जैसा कि हम सब अपने घरों में 0 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, जो हकीकत में 0 वाट का बल्ब है ही नहीं, तो फिर इसे 0 वाट का बल्ब क्यों कहा जाता है? दरअसल कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 0 वाट पर काम ही नहीं करती, तो फिर इसे 0 वाट का बल्ब क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल चंद साल पहले हमारे घरों में एनालॉग मीटर का इस्तेमाल किया जाता था, जो चंद वाट को रीड ही नहीं कर पाते थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई 0 वाट का बल्ब 8 वाट पर भी काम कर रहा हो तो वो इसे रीड ही नहीं कर पाते थे, जिसे देखते हुए लोगों ने गलत अभाम को अडॉप्ट कर लिया और इसे 0 का बल्ब कहना शुरू कर दिया, जो कि 0 का बल्ब है ही नहीं। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ट्रांसपोर्ट की दुनिया में भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब तो अमेरिका में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अमेरिका की एक रियासत के अंदर 500 मीटर लंबे ट्रैक पर एक वैक्यूम ट्यूब नामी ट्रेन को दौड़ाया गया, जिसमें 2 मुसाफरों को बिठाकर टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। अभी इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है और ये काम 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर $8 अरब खर्च होंगे। अगर गाइस ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में बहुत बड़ी जिद्दत आने वाली है। गाइस, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।